हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रजनी सुथार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो लोग लॉन्च का डायरेक्ट जोन यूज करते हैं, थिंक डायरेक्ट 4.0, उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है ये वाले में। तो आप देख सकते हो क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मैं अभी आपको वीडियो में डेमो भी दिखा दूंगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हो और सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी गाड़ी को कनेक्ट करते हो तो ये बाहर निकल जा रहा है। तो मैं आपको इसको गाड़ी में लगा के अभी लाइव डेमो भी दिखा देता हूँ इसका, कि आपको कैसा इसका सॉल्यूशन करना है ये भी दिखा देता हूँ और क्या प्रॉब्लम है। अभी आप देख सकते हो वीडियो में, ये हमारा ग्रीन लाइट चालू हो गया है, इस कनेक्ट हो गया है। अभी ये आपको मैं मोबाइल में चालू करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो ये मैंने मोबाइल खोला है, ये खुल गया हमारा। ये DZ वाला सॉफ्टवेयर है, अभी आपको इसे ऑन करना है, ठीक है। अभी लॉगिन सक्सेसफुल है हमारा, ठीक है। अभी इसको हम लगा गए। इससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कौन सा वाला अपडेट में प्रॉब्लम है। देख सकते हो ये 009 डैक जोन प्रो V2009 में प्रॉब्लम आ रहा है हमारा अभी। तो इसको इसका सॉल्यूशन क्या है ये अभी हम इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो ये वाला आपको जो 9 वाला है इसमें क्या प्रॉब्लम है वो अभी हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारे पास वैगन आ रहे तो हम मारुति में जाएंगे, मारुति की वैगन आ, तो मारुति इंडिया। और अभी हम इसको चाबी ऑन करके आपको दिखा देते हैं। इसका हमने चाबी ऑन कर दिया है और अभी ये हमने ओके किया। देख लो अभी ये कनेक्ट हो रहा है, जैसे ही कनेक्ट हो गया, ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ ये सॉफ्टवेयर से बाहर, ये प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। तो आप देख सकते हो, मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये मारुति, और जैसे इसमें ये कनेक्ट करने की कोशिश करते, और देखो ये ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ, हो गया, अभी ये सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाओगे आप, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम है। अभी मैं इसको आपको स्कैनर के पास लेके जाके दिखा देता हूँ कि कैसे हो रहा है ये प्रॉब्लम। देख लो, डीजे खोला हमने, सामने आपको ग्रीन लाइट भी दिख रही है स्कैनर की। मारुति में जाते हैं, मारुति में क्लिक किया हमने, ओके किया। अब ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया हमारा, ब्लू लाइट होगी सामने स्कैनर में, ब्लू लाइट होगी। अभी ये सीधा बार और ग्रीन लाइट चालू, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है, अभी मैं आपको देखा देता हूँ कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो आपको सीधा सीधा डायगजन जो सॉफ्टवेयर अपने डाउनलोड किया है इसको अनइंस्टॉल कर देना है एक बार, और फिर आपके पास दूसरा पुराना वाला ओल्ड वाला सॉफ्टवेयर है तो आप सीधा उसी को यूज कर लो। नहीं है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। हम डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे इसका, हमारा व्हाट्सएप का, ठीक है ना। तो उस पर आप मैसेज कर लेना, मैं आपको ये वाला सॉफ्टवेयर सेंड कर दूंगा। जिसको भी ज़रूरत है कभी भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। और हमने ये इंस्टॉल कर दिया, अभी ऑल ऑल परमिशन दे दी, अभी इसको चालू कर दिया, अभी लॉगिन कर देते हैं हम, ठीक है। एक बार लॉगिन करके इसका फॉर्मवेयर वगैरह अपडेट करना होता है। तो फर्स्ट टाइम है तो अभी हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है नहीं इसमें, तो हम अभी इसको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना कैसे है वो भी दिखा देते हैं। जैसे ये अपडेट में जाना है आपको, और ये DZ7 वाला ही हम यूज करेंगे, 9 वाला अपडेट नहीं करना है, ठीक है ना। आपको ये वाला अपडेट नहीं करना है, अगर ये आ भी रहा है अंदर अपडेट आएगा, लेकिन आपको ये वाला नहीं करना है। तो अभी स्टार्ट वेरिफिकेशन करते हैं, स्कैन हो रहा है हमारा, चाबी ऑन है,
और ये फर्मवेयर अपडेट हो रहा है, ठीक है ना हमारा। तो अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, वीडियो को थोड़ा स्किप कर देते हैं, ठीक है। और भी थोड़ा अभी 15-17 हुआ है, थोड़ा वैसे तो फास्ट ही हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको फिर से थोड़ा भगा देंगे तो क्या है, ठीक रहेगा। तो अभी थोड़ा ही बाकी है, अभी और नहीं होने दो, इसको एक बार और भगा दिया है हमने। और देखो ये हमारा वाला फर्मवेयर 100% हो गया, ठीक है। उसके बाद ही सॉफ्टवेयर अभी ये सक्सेसफुल हो गया है, तो इसके बाद ही अभी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको फिर से ये 7 वाले को तो नहीं करना है, ये याद रखना है आपको। तो अभी ये हम मारुति इंडिया करते हैं और ये डाउनलोड हो रहा है हमारा। भाई ये वीडियो को पूरा देखना हमारा, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे करना भी है और कैसे इसका सॉल्यूशन भी। और सबसे बढ़िया वाला 007 है, 5 है, कौन सा है, वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा आप। क्योंकि 5 से ज़्यादा हमने 7 को यूज किया है, ये थोड़ा फास्ट भी रहता है, वो भी हम आपको इसी वीडियो में डेमो दिखा देंगे कितना फास्ट रहता है। तो अभी देखो ये हमारा तीनों सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, ये एक वाला नहीं होगा तो भी चलेगा, इसको हम अभी स्किप भी कर देते हैं। चलो अभी हम बैक चले जाते हैं, इसको बाद में कर देंगे हमें, अभी हमको एक ही खाली डेमो ही देखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 007 वाला ही है, ठीक है, हमने इसको अपडेट नहीं किया है, आपको भी ये अपडेट नहीं करना है। तो अभी कनेक्ट करते हैं मारुति में, अभी देख सकते हो आप, ओके करो फिर। कनेक्ट भी हो गया हमारा, देखो ब्लूटूथ जैसे ये थोड़ा फास्ट ही है, आज तक के जितने भी अपडेट आए उसमें ये फास्ट है। तो वेगनार ओल्ड है तो वेगनार में जाएंगे, इंजन कंट्रोल में जाएंगे, एमटी में जाएंगे और रीड फॉल्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये दो फॉल्ट कोड आ रहे हैं हमारे हिस्ट्री में, इसको तो हम निकाल देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये तो हमें खाली डेमो ही देखना है, अभी गाड़ी चेक नहीं करनी है। तो चलो एक बार फिर से हम बैक चले जाते हैं इसका, और फिर से पूरा बंद करके आपको दिखा देते हैं, पूरा बाहर निकल जाएंगे। ये वाला देख लो, फिर से डीजेड आ गया हमारा, ये हम स्कैनर के पास जाके भी आपको दिखा देते हैं। इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा, अभी हम पूरा निकाल के आपको ये भी बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन इसका सॉल्यूशन सिंपल ही है। ये अभी हमने कनेक्ट किया है, अभी आप देख लेना इसमें ये ग्रीन लाइट थी, वो ब्लू हो जाएगी। अभी लाइट चाबी हमने बंद की, बंद ही रखते हैं अभी एक बार, और आपको ये भी प्रॉब्लम दिखा देते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देखो अभी ये बिना कनेक्ट किए ऊपर ब्लू लाइट हो चालू होगी, ब्लू लाइट मतलब इसका ब्लूटूथ चालू था, अभी ब्लूटूथ बंद किया तो अभी ग्रीन लाइट हो गई है इसके, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो मैं ये कनेक्ट कर रहा हूँ, ऊपर आप देख लो ग्रीन लाइट है अभी, ये जैसे कनेक्ट करूँगा तभी ये होगा। इसमें ये खाली ब्लूटूथ बंद करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभी हम इसको मारुति में जाते हैं, जैसे देखो ये कनेक्ट दूसरे सभी सॉफ्टवेयर से फास्ट हो रहा है, ये आप देख लेना अभी। ठीक है, ये कनेक्ट फास्ट हो गया, देख लो वैगनार पे क्लिक किया तो सीधा इस पे आ गया, जो एमटी। तो ये हमारा चाबी
ओके, तो इसको हम चालू करके आपको दिखा देते हैं। चाबी ऑफ था इसीलिए ये एरर आई। अब ये ऑन किया हमने चाबी, और कनेक्ट देख लो आप कितना फास्ट होता है, ठीक है ना? काम भी वर्क भी फास्ट करता है ये, देखो। तो यही प्रॉब्लम आ रहा था इसमें, तो जिसको भी चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।